शेयर करूं, क्योंकि इससे ना घर में एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी रहती है। और आप भी अगर कोई ऐसी चीज या ऐसी फ्रेग्रेंस की खुशबू की चीजें यूज करते हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करें, ताकि मैं भी उसका यूज कर सकूं। तो चलिए देखते हैं मैं ऐसी कौन सी चीजें यूज करती हूँ जिससे ना घर में एक अच्छी सी पॉजिटिविटी, एक ऑरा हमारा बहुत अच्छा क्लीन होता है, और जब भी घर में हम एंटर करते हैं ना एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जिससे खराब से खराब मूड होगा ना वो भी अपने आप ना अच्छा हो जाता है। हम सब कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे घर में ना एकदम पॉजिटिव एनर्जी रहे, यानी घर का जो हमारा ऑरा है वो बिल्कुल क्लीन रहे। ज्यादातर घरों में ना घर की शुद्धि करने के लिए कपूर का यूज करा जाता है, और कपूर तो सबसे बेस्ट चीज होती है घर को ना एकदम शुद्ध करने के लिए। बट इसके अलावा भी मार्केट में आजकल बहुत सारी चीजें आने लग गई हैं और ये ना बिल्कुल अफोर्डेबल है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि ये है अरोमा स्टिक, और ये ना बिल्कुल आपको बड़ी मुश्किल से 50 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएगी। इसमें इस तरह से आप इसको स्टैंड बोल सकते हैं, इसके साथ स्टैंड आता है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग ना अगरबत्ती यूज करना पसंद नहीं करते हैं, तो ये जो एरोमा या इंसेंस स्टिक्स जो होती है ना, ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होती है। बस इसको इस तरह से जला के स्टैंड में रख दीजिए, और कोई सा भी आपके पास अगरबत्ती स्टैंड हो उसमें इसको लगा दीजिए, ताकि इसका जो एशेस होते हैं ना वो बिल्कुल इधर उधर ना गिरे। दूसरे नंबर पे आते हैं ये इंसेंस या अरोमा कोन्स। ये ना बहुत सारे लोग पूजा के लिए यूज करते होंगे, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता आप इसको ना एज अ एयर फ्रेशनर भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कई जगह हम रूम फ्रेशनर यूज करते हैं, तो उसकी जगह ना आप ये यूज करिए। अब जैसे जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो कुकिंग में आपने देखा होगा किचन में कई सारी कभी कभी खाने की स्मेल रह जाती है, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ना कटोरी रख रखी है। उस कटोरी में मैं इसको जला देती हूँ, और ये बहुत छोटा सा होता है, कॉर्नर में कहीं भी आराम से आ जाता है, और बिल्कुल किचन में जो खाने की स्मेल होती है ना वो बिल्कुल नहीं रहती है, और मुझे किसी भी तरह के रूम फ्रेशनर या एयर फ्रेशनर की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद बारी आती है सम्राणी कप की। मेरे घर में तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही चीज है। आजकल वर्किंग होने की वजह से बिल्कुल भी ना लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो हवन वगैरह कर सके या करवा सके, तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हैं। इसमें ना पहले से ही जैसे लोबान हो गया, कपूर हो गया और गूगल हो गया, इस तरह से ना चीजें मिली हुई होती हैं। और मैं तो अपने घर में ना ये वीक में 2 बार यूज करती ही करती हूँ। बिल्कुल इससे ऐसा लगता है जैसे घर में ना अभी अभी हवन करवाया है। और घर में ना धूनी देने के लिए ये कप्स जो है सबसे अच्छे हैं। बस आपको ज़रूरत होती है ना सम्राणी कप होल्डर की। अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, मैं भी ना इस तरह से टी लाइट होल्डर मेरे पास एक है, मैं उसमें इसको रख देती हूँ और पूरे घर में आराम से ट्यूसडे और सैटरडे धूनी देती हूँ। इससे ना बिल्कुल घर की नेगेटिविटी एकदम हट जाती है। तो यकीन मानिए इसको आप ज़रूर यूज़ करें। और इसके बाद बारी आती है एरोमा कैंडल्स की। अब सुनने में तो ये बड़ा फैंसी लगता है, बट ये बहुत इफेक्टिव है, और ये आराम से आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन ना 100 रुपीज़ के अंडर अंडर आराम से मिल जाएगा। कभी आप गूगल पे ना सर्च करिएगा एरोमा थेरेपी के बारे में, और आप इसको यूज़ करिएगा जैसे आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या वैसे ही आप अगर 10-15 मिनट आराम से शांति से बैठिए और एक कैंडल जला लीजिए ना, पूरे घर में खुशबू हो जाएगी। मैं इसे मॉर्निंग और इवनिंग में 10 से 15 मिनट के लिए हमेशा जलाती ही जलाती हूँ। और इसके बाद बारी आती है एरोमा ऑयल की, और ये सबसे इफेक्टिव तरीका है घर में ना बिल्कुल फ्रेग्रेंस लाने का। बहुत सुंदर सुंदर आजकल मार्केट में डिफ्यूजर आते हैं, बस इस तरह से पानी डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा ना आप ऑयल ऐड कर दीजिए, बड़ी मुश्किल से 3 to 5 drops, और ऑन करके आप खुद देखिए पूरे घर में बहुत अच्छी ना फ्रेग्रेंस हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ।